जय हिंद एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़ और क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूं प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स उसके बाद आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे जय हिंद दोस्तों आज 26 जुलाई है साल 2023 है लगभग 24 साल हो गए जब एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था कारगिल का और उस कारगिल के युद्ध में क्या हुआ था किस तरह से हुआ था ये आपने बहुत कुछ सुना होगा मैं अपने टीचिंग करियर के पिछले 12 सालों में ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब 26 जुलाई के दिन मैं कारगिल के विजय दिवस पे कारगिल की कहानियां नहीं सुनाता हूँ जब मैं ऑफलाइन एजुकेशन में हुआ करता था तब मैं वहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को इस दिन ख़ास तौर पे एक सेशन रख के कारगिल से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनाता था और ज़्यादातर जो मैं बात करता था वो पूरा युद्ध कैसे हुआ उस तरह की मैं बात करता था पिछले साल जब 26 जुलाई का वक्त आया और मैं पीडब्ल्यू के साथ जुड़ा हुआ था डिफेंस वाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ये मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं कारगिल की वो कहानी कि ये युद्ध कैसे हुआ था कौन कौन सी प्रमुख लड़ाइयाँ इस युद्ध में लड़ी गई थी और कैसे इसका एंड हुआ था किस तरह भारतीयों ने पाकिस्तानियों को डिफीट किया था वो कहानी पिछले साल 26 जुलाई को इसी प्लेटफॉर्म पे इसी चैनल पे इसी दिन मैंने आपके साथ में शेयर करी थी और शायद वक्त भी यही था और इसीलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने वो कहानी शेयर कर दी है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई थी टोलो की लड़ाई क्या थी टाइगर हिल की लड़ाई क्या थी पॉइंट फोर एट सेवन फाइव की लड़ाई क्या थी और भी इस तरह की कई दूसरी लड़ाइया जो कि हमने बात करी थी वो सारा कुछ मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी चैनल पे पिछले साल बताया था इसीलिए जब इस बार छब्बीस जुलाई का दिन आने वाला था तो मैं सोच रहा था कि इस बार मैं क्या करूंगा क्योंकि सारी कहानी तो मैं पिछली बार बता चुका था और मैं वापस वही कहानी नहीं बताना चाहता था और इसीलिए कल आसिम सर से जब बात हुई मेरी और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ करना चाहते हैं क्या आप इस कारगिल विजय दिवस पे मैंने बोला क्यों नहीं नहीं क्यों और पूछ पूछ लेकिन क्या तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी कहानियां हैं कुछ ऐसी कहानियां जो कि मुझे बहुत प्रेरित करती है और वो कहानियां मेरे वॉर के नरेशन में कहीं जगह नहीं बना पाती कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन जो मेरा जनरल नरेशन होता है इस कारगिल वॉर का कि कैसे ये युद्ध हुआ कौन सी पहली प्रमुख लड़ाई लड़ी गई किस किस को बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स मिले तो ये जो पूरा नरेशन होता है उसमें कहीं जगह नहीं बना पाती क्योंकि कारगिल में इतनी लड़ाइयां लड़ी गई थी अलग अलग मोर्चों पर कि जब कोई भी स्पीकर कोई भी टीचर अगर आपको कारगिल के युद्ध के बारे में बता रहा है तो वो एक एक लड़ाई बता ही नहीं सकता आपको या एक एक कहानी जो उससे जुड़ी हुई है वो बता ही नहीं सकता पिछली बार मैंने कोशिश करी थी लगभग पौने दो घंटे का लेक्चर लेके कि सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स बताऊं और मैं सेटिस्फाइड था कि मैंने सब कुछ बता भी दिया आपको लेकिन आज जब मैं कंफ्यूज था कि क्या करेंगे आज हम आज क्या बताएंगे तो मैंने यही तय किया कि वो जो एक दो कहानियां हैं वो कहानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं हमेशा बताना चाहता था लेकिन कभी भी कारगिल दिवस पे मौका नहीं मिलता था वक्त नहीं मिलता था उन कहानियों को बताने का हो सकता है कि आप में से कईयों ने वो कहानियां सुन रखी हो हो सकता है कि नहीं भी सुनी हो लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आज वो कहानियां भी आपको नरेट करके बताऊं जो मुझे बहुत खास लगती है लेकिन मेरे कहानी के नरेशन से पहले मेरी हमेशा आदत है कि मैं बेसिक से ही कोई चीज शुरू करता हूं तो आज भी मैं वही करूंगा कि मैं मूल तत्व से उठाऊंगा इस चीज को कि आखिर ये कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था कारगिल का युद्ध कैसे हुआ था उसको हम अलग अलग तरीके से बयान कर सकते हैं बहुत सारी लड़ाइयां हैं बहुत सारी कहानियां हैं लेकिन कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था इस मुद्दे के ऊपर मैं भी डिटेल में बात करना चाहता हूं तो शुरुआत में वहीं से करूंगा फिर उसके बाद हम कहानियों पर आएंगे तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर कारगिल का युद्ध क्यों हुआ था कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था आप सभी जानते हो इस बात को लेकिन आई डोंट नो कि आप ये बात जानते हो या नहीं जानते हो कि कारगिल के इस युद्ध की नींव उन्नीस में ही पड़ गई थी यानी कि लड़ाई से 15 साल पहले ही कारगिल के युद्ध की नींव बढ़ गई थी उसकी कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रिपरेशन शुरुआत की शुरुआत हो गई थी उसकी ओरिजिनल वजह 1984 में ही पैदा हो गई थी अब मैं कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको बताता हूं कि क्या वजह थी कि कारगिल के युद्ध तक बात पहुंची तो सबसे पहला फोटोग्राफ यहां आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और फोटोग्राफ देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये नक्शा है कश्मीर का और इस कश्मीर के नक्शे में लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिखाई दे रही अब यहां तक तो बात क्लियर है कि ठीक है साहब कश्मीर है कश्मीर का एक नक्शा है उसके अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल भी दिखाई दे रही है हमको लेकिन इसका कारगिल के युद्ध से लेना देना क्या है हिस्टोरिकली क्या लेना देना है तो हिस्टोरिकली ये लेना देना है कि ये सारा डिस्प्यूट लाइन ऑफ कंट्रोल का हुआ करता था जब उन्नीस सौ अड़तालीस की लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान ने कश्मीर में श्रीनगर और लेह को कैप्चर करने की कोशिश करी थी और फिर भारतीय सेनाएं आई थी कश्मीर को बचाने के लिए और पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ते खदेड़ते एक पॉइंट तक ले गए थे जहाँ पे युद्ध विराम हो गया था तो जो दोनों सेनाएं जिस पॉइंट पे थी आमने सामने उसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो गई और उसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है पहले वो सीज फायर लाइन थी बाद में 1971 के शिमला एग्रीमेंट में वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ तरह के सीजफायर वायलेशन होते रहते थे लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट था दोनों ही तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट था सीज फायर लाइन जब वो थी उन्नीस सौ में तो उसका इतना रिस्पेक्ट नहीं था क्योंकि सीज फायर लाइन इज जस्ट अ लाइन कि भाई तुमने और हमने लड़ाई बंद कर दी है इस पॉइंट पे इस मोर्चे पे लेकिन अगर हम ये लड़ाई वापस शुरू करें तो हम आगे आ सकते हैं या तुम हमें भी पीछे कर सकते हो तो ये जो लाइन जब तक सीज फायर लाइन थी तब तक इसका कोई खास रिस्पेक्ट नहीं था लेकिन तो बाउंड्री तो नहीं बनी लेकिन फिर भी ये काफी मजबूत और रिस्पेक्टेबल रिस्पेक्टफुल बाउंड्री बन गई और दोनों ही नेशंस इसको एग्री भी करने लग गए लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई प्रॉब्लम आ गई इस पॉइंट पे क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल ज्यादातर कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ों से होती हुई आती है जम्मू के नॉर्थ में पीर पंजाल के पहाड़ों से होती हुई यह लाइन ऑफ कंट्रोल मुड़ती है कश्मीर वैली के अंदर कश्मीर की घाटी के अंदर और कश्मीर की घाटी से आगे बढ़ते हुए ये आज के कारगिल द्रास की तरफ आगे बढ़ती है जहां पे ट्रेन बहुत बदल जाता है और कारगिल से आगे बढ़ते हुए ये काक्सर की तरफ जाती है जहां पर एक अलग ही टरी आ जाता है हेवीली ग्लेशिएटेड रीजन उस ग्लेशियर ग्लेशियर को आप सभी सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जानते हो अब प्रॉब्लम यह हो गई थी कि इंडियंस और पाकिस्तानी 1947 और 48 में सियाचिन के ग्लेशियर को ना ऑक्यूपाई करना चाहते थे ना उनका कोई इंटरेस्ट था वहां पे क्योंकि सियाचिन के ग्लेशियर में कोई रहता नहीं था सियाचिन के ग्लेशियर में किसी तरह का कोई एक्टिविटी uh, नहीं होता था खेती नहीं होती थी तो क्योंकि वो पूरी तरह से अन इनहेबिटेड इलाका था इसीलिए किसी का इनिशियली उसमें इंटरेस्ट नहीं था और लाइन ऑफ कंट्रोल सियाचिन ग्लेशियर के पहले तक बहुत डिफाइंड थी लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर लाइन ऑफ कंट्रोल कैसी है इस बात को लेकर भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच में डिस्प्यूट था अब अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारतीय परसेप्शन यह था भारतीय परसेप्शन नहीं कहूंगा मैं इसको ये एक सच्चाई थी शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि हमने यह माना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां तक काक्सर सेक्टर तक तो सीधी सीधी जाती है लेकिन काक्सर सेक्टर के नॉर्थ में लाइन ऑफ कंट्रोल मूव करती है और इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ से होते हुए ईस्ट में जाती है ये भारत का मानना था वही पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट के अंदर किए गए वादों के खिलाफ जाते हुए यह क्लेम करने लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां से आप नॉर्थ में सियाचिन के लेकर ईस्ट तक मत ले जाओ लाइन ऑफ कंट्रोल को सीधा खींच दो तो आप यहां पे यानी पाकिस्तान ये कह रहा था कि सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान में है और हम ये कह रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 के शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट से होके सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ और सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में जाती है यानी कि सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिस्सा है तो भारतीयों का यह मानना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो एन जे नाइन एट फोर टू के पास से ये जाती है नॉर्थवर्ड्स जो इंदिरा कॉल आता है जो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी ऑफिशियली माना जाता है वहां से होकर इधर तक जाती है और पाकिस्तानी एज यूजल वो कह रहे थे कि सीधी जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन बट but... ये डिस्प्यूट था लेकिन ये डिस्प्यूट कोई बहुत बड़ी लड़ाई की वजह इमीडिएटली नहीं बना क्योंकि सबको ये लगता था कि चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल इसके नॉर्थ से होकर इसके वेस्ट में जाए या लाइन ऑफ कंट्रोल सीधी वो निकल जाए क्या फर्क पड़ता है हेविली ग्लेशिएटेड रीजन है विली ग्लेशिएटेड रीजन है और इस हैविली ग्लेशिएटेड रीजन के अंदर किसका क्या ही फायदा ऊपर से यहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल था तो इनिशियली भारतीयों और पाकिस्तानियों ने दोनों ने ही इस इलाके में बहुत कम पेट्रोल्स किए बहुत कम एक्सप्लोर किया और डिस्प्यूट को कभी भी हावी नहीं होने दिया लेकिन एक वक्त आया जो पाकिस्तान इस इलाके के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करने लग गया बहुत सारे अमेरिकन ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन माउंटेनियरिंग ग्रुप्स इस इलाके में आने लग गए पाकिस्तान के वीजा पे पाकिस्तान ने ऐसे कई माउंटेनियरिंग ग्रुप्स को अलाउ करना शुरू किया जो सियाचिन के इलाकों में माउंटेनियरिंग करना चाहते थे या फिर केटू में माउंटेनियरिंग करने के लिए आते थे तो सियाचिन को भी देखना चाहते थे पेट्रोलिंग के दौरान जब भारतीय सेना को यह बात पता चली कि कुछ विदेशी पर्यटक कुछ फॉरेन टूरिस्ट यहां पे माउंटेनियरिंग कर रहे हैं इंडिया की टेरिटरी में तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये आप कौन हो और यहां पे किसकी परमिशन से आए माउंटेनियरिंग करने तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की परमिशन से हम यहां पर माउंटेनियरिंग करने के लिए आए और यहीं पे इंडियंस पहली बार नाइनटीन में अलर्ट हुए कि यह क्या हो रहा है पाकिस्तानी प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनली कि इलाका उनका है और इस तरह तो यह बात पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी मान लेगी कि यह इलाका पाकिस्तान का जबकि ये अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट हमारा इलाका और यहीं से एक्शन शुरू होता है सियाचिन की लड़ाई होती है जो कि हमारा आज का मुद्दा नहीं है वरना वो भी एक बहुत बेहतरीन लड़ाई थी लेकिन पहली बार 1984 में और दूसरी बार 1987 में यानी कि 1984 से लेकर 1987 के बीच में भारत और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जे को लेकर लड़ाई करते हैं और भारत की जीत होती भारत की जीत के साथ ही भारत इंडिया टेक्स द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड यही पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक लगता है पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान गया था लेने पर उसको पड़ गया देना और पाकिस्तान की आर्मी जो उस जमाने में सियाचिन के ग्लेशियर के ऑपरेशंस कर रही थी उनको जो बहुत बड़ी हार मिली थी तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है मतलब बहुत विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये बात पता चली है कि जब पाकिस्तानी आर्मी की हार हुई थी इस यहाँ पे उस समय बेनजीर भुट्टो काफी एक्टिव थी एक पॉलिटिशियन के तौर पे और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन कमांडर्स को और कमांडोस को जिन्होंने सियाचिन की लड़ाई हारी थी भारतीयों से उनको चूड़ियाँ और बुरका गिफ्ट किया था कि आप हिंदुस्तानियों से हार गए जबकि आप मजबूत पोजीशन पर बैठे हुए थे डोमिनेंट पोजीशन पर बैठे हुए थे एक बहुत टफ इलाके में फिर भी आप लड़ाई हार गए तो आप सेना की वर्दी के लायक नहीं हो आप चूड़ियां पहन लो और ये बुरखा है ये पहन लो अब जो ऑफिसर सियाचिन की लड़ाई को कमांड कर रहा था जिसके साथ ये इंसल्ट हुआ था कि उसको चूड़ियां और बुरका गिफ्ट किया गया था उसने ये प्रतिज्ञा करी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस सियाचिन का बदला इंडियन से लेकर रहूंगा वो ऑफिसर जिसको ये चूड़ियां और बुरका गिफ्ट किए गए थे वो ऑफिसर जो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक और एम्बिशियस था वो ऑफिसर जो ये लड़ाई हारा था उसका नाम था परवेज मुशर्रफ यही परवेज मुशर्रफ आगे चल के नाइनटीन में पाकिस्तान के जनरल बनते आई नॉट बी एब्सोल्यूटली करेक्ट कि 1998 में ही बनते हैं या 99 में बनते बट आई थिंक 98 में बनते ये पाकिस्तान के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह प्लान बहुत पहले से तैयार करके रखा था जब जनरल परवेज मुशर्रफ को जब वो जनरल नहीं थे सियाचिन में हार का सामना करना पड़ा था तभी से उनके दिमाग में प्लान चल रहा था कि क्या किया जाए कि सियाचिन की हार का बदला लिया जाए और एक प्लान उनके दिमाग में था जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा जो उन्होंने अर्ली नाइनटीज में भी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो को प्रेजेंट किया था कि आप ये हमारा एक प्लान है इस प्लान के अकॉर्डिंग हम भारत की कुछ इलाके भी जीत लेंगे और सियाचिन ग्लेशियर भी दोबारा जीत लेंगे लेकिन बेनजीर भुट्टो जो उस समय पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उस प्लान को डिनाई कर दिया उन्होंने कहा कि प्लान तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा और बेनजीर भुट्टो वाज मोर इंटेलिजेंट देन परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ वाज थिंकिंग वेरी टैक्टिकली कि यह प्लान है इस तरह हम एग्जीक्यूट करेंगे बट बेनजीर भुट्टो न्यू कि भारत भी बहुत जबरदस्त जवाब देगा बी फिटिंग रिप्लाई देगा तो उन्होंने मना कर दिया उस समय और ये उस समय कोई बहुत बड़े ऑफिसर भी नहीं थे बाद में जब ये खुद जनरल बने और बहुत पावरफुल हुए तब इन्होंने बिना अपने प्राइम मिनिस्टर के कंफर्मेशन और कंसर्न से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जिस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन बदर कहा ऑब्जेक्टिव था सियाचिन ग्लेशियर को लेना और कुछ भारतीय टेरिटरीज को जीतना यहां पे सियाचिन ग्लेशियर की कुछ लोकेशन में आपको दिखाता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर के अब सियाचिन ग्लेशियर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया था वाई सियाचिन ग्लेशियर हैड बिकम सो इंपॉर्टेंट नाउ सी सियाचिन ग्लेशियर दैट इज टू द नॉर्थ ऑफ एन जे इसमें तीन बड़े पासेज हैं ग्योंगला बिलाफोंडला और सियाला और इसी के पास में यहां पे है सोल्टोरो रिज एंड दिस इंटायर ंगुलर रीजन इज सियाचिन ग्लेशियर जो पूरा ट्रेंगुलर रीजन है दिस इज दियानीज ऑक्युपाइड कश्मीर सो चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख और कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और इन दोनों के बीच में सियाचिन ग्लेशियर नाव इमेजिन दिस स्ट्रेटेजिकल एंड टेक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्लेशियर एनी वन हु कंट्रोल द सियाचिन ग्लेशियर विल कंप्लीटली कंट्रोल द काराकोरम पास एंड कैन कट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एनिमीज भारत के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो अब भारत ने सियाचिन के महत्व को समझ लिया था और भारत ने सियाचिन के महत्व को समझा था जब चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बहुत मजबूत हो गया था कि अगर हमने सियाचिन छोड़ दिया कई लोग कहते हैं ना कि ग्लेशियर को क्यों पकड़ के रखा है भारतीय सेना ने इतना खर्चा होता है वहाँ पे इतना अनहॉस्पिटेबल से इंसान रह सकता है वहां पे तो हमने क्यों वहां पे इतना पैसा खर्चा करते क्यों उसको पकड़ के रखते इसीलिए क्योंकि पहले तो वो हमारी जमीन है तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी जमीन की सुरक्षा रक्षा करें और दूसरा हमारे दो दुश्मन अगर हमने सियाचिन ग्लेशियर छोड़ दिया तो इन पासिस से आपस में कम्युनिकेशन का रास्ता डेवलप कर सकते हैं और हमारे अगेंस्ट अगर कोई एक्शन होता है तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होंगे और कॉन्टेक्टेड होंगे जो कि हमारे लिए सही नहीं है टैक्टिकली स्ट्रैटेजिकली, और इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर को होल्ड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो भारतीय सेना ने सब कुछ किया और इतनी मजबूत प्रेजेंस बना ली सियाचिन ग्लेशियर पे कि अभी पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि वो दोबारा सियाचिन ग्लेशियर को जीतेगा के कुछ है जहां तक पाकिस्तान है। बाकी मैक्सिमम सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह इंडियन आर्मी के ही कंट्रोल में है तो ये सियाचिन का इंपॉर्टेंस है और इसी के साथ अब परवेज मुशर्रफ का प्लान क्या होता है कि हाउ कैन वी टेक बैक सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर को हम कैसे वापस हासिल कर लेंगे यहां पे आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है जिस नक्शे में टरेन दिखाई दे रहा है आपको उस इलाके का किस तरह का वो इलाका था अब मैं आपको यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड ये इंपॉर्टेंट रोड श्रीनगर से शुरू होती है और श्रीनगर से शुरू होकर आगे बढ़ती है और पहुंचती है सोनमर्ग यही सड़क सोनमर्ग से आगे बढ़ती है और पहुंचती है द्रास के टाउन में द्रास के टाउन से आगे बढ़ के ये सड़क पहुंचती है कारगिल में और कारगिल से आगे जाके ये सड़क कारगिल से आगे जाके ये सड़क पहुंचती है सीधा छोटे छोटे गांवों से होते हुए लेह तो ये है श्रीनगर और लेह का हाईवे जो कि कारगिल की कोई सी भी लड़ाई की अगर कहानी होती तो ये बताना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जो श्रीनगर और लेह का हाईवे है ये एक तरह से जेग्युलर वेन था कश्मीर के अंदर ये एक तरह से जेगुलर वेन था मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि शायद ये बहुत अच्छा प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं दे रहा है तो ये दिस वॉस इसे कहा जाता था नेशनल हाईवे नंबर वन एन एच वन नेशनल हाईवे नंबर वन या नेशनल हाईवे नंबर वन ए नाउ दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रोड फ्रॉम द सियाचिन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों क्या वजह थी वजह यह थी यहां पे कि यह है सियाचिन ग्लेशियर नाउ दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जितने भी हमारे सोल्जर्स डिप्लॉयड होते हैं दे नीड लॉजिस्टिक्स बिना लॉजिस्टिक्स के वो नहीं सरवाइव कर सकते वहां पे किसी और टरी में हमारे सैनिक बिना लॉजिस्टिक्स के सरवाइव कर सकते अगर आप उन्हें जंगल में छोड़ दो तो वो बहुत दिनों तक बिना लॉजिस्टिक्स के सरवाइव कर सकते या आप उन्हें कहीं पे भी छोड़ दो वो बहुत दिनों बहुत दिनों तक बिना लॉजिस्टिक्स के सर्वाइव कर सकते इवन रेगिस्तान में भी वो बिना लॉजिस्टिक्स के कुछ दिनों तक तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो ठंडा ऊंचा पहाड़ी रेगिस्तान था ये ग्लेशियर था यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन बिना लॉजिस्टिक्स के कोई जिंदा रह सकता है उससे ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता अब क्योंकि यहां पे लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा चाहिए तो लॉजिस्टिक्स लाने के लिए यहां परमानेंटली नहीं रखे जा सकते तो इसीलिए एक बेस कैंप बनाना पड़ता है जिस बेस कैंप में बहुत सारे लॉजिस्टिक्स रखे जाते हैं और जरूरत पड़ने पर वो लॉजिस्टिक्स ग्लेशियर के ऊपर तैनात सैनिकों को पहुंचाए जाते हैं और वो बेस कैंप यहां लेह में बनता है तो सियाचिन ग्लेशियर के लिए लेह का इंपॉर्टेंस आपको पता चला कि अगर लेह नहीं होगा तो सियाचिन में लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंच पाएंगे और सियाचिन में अगर लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंच पाएंगे तो वहां मौजूद सैनिक चाहे कितने ही बहादुर ताकतवर स्किलफुल क्यों ना हो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे इसीलिए सियाचिन का अस्तित्व लेह से, बिना लेह के सियाचिन होल्ड नहीं किया जा सकता सियाचिन पे हमारे कब्जे का अस्तित्व लेह से और यही बात परवेज मुशरफ को समझ में आई थी अब क्या होता है परवेज मुशरफ एक प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का हम वायलेशन करेंगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ इस तरह से आती है और इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ इस तरह से आती है और यू निकल जाती है कुछ इस तरह से निकल जाती है रफली मैंने बनाई लाइन ऑफ कंट्रोल जनरल परवेज मुशरफ ने यह कहा कि ये लाइन इस एरिया में भारत के नेशनल हाईवे नंबर वन ए के बहुत क्लोज आ जाती वैसे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पे नॉर्थवर्ड्स चढ़ी जाती लेकिन जैसे जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल आगे बढ़ती है वेस्ट में ये इंडिया के नेशनल हाईवे के बिल्कुल क्लोज आ जाती है और यहां से फिर वापस सियाचिन के वेस्ट से होते हुए नॉर्थ में जाती तो जनरल परवेज मुशरफ ने एक योजना बनाई उन्होंने कहा यहां तक तो हम पाकिस्तानी हैं ही सही अगर हम आगे बढ़ के ये कारगिल और द्रास सेक्टर और ये काक्सर तुर्तुक सेक्टर के इलाके में घुसपैठ कर लें और यहां के पहाड़ों को कब्जा कर लें तो इसकी मदद से हम लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ सकते हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमला करके इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सॉरी नेशनल हाईवे नंबर वन ए के ऊपर हमला करके इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अगर नेशनल हाईवे नंबर वन ए डिस्ट्रॉय हो गया तो श्रीनगर से जो सप्लाईज लेह तक पहुंचती है वो बंद हो जाएगी लेह में सप्लाईज नहीं पहुंचेगी तो सियाचिन में नहीं पहुंच पाएगी और अगर सियाचिन में सप्लाईज नहीं पहुंची तो सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे हुए सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास जमा सामान भी होगा तो वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और हम बड़े आराम से सियाचिन के ऊपर हमला करके उसको जीत सकते हैं so कारगिल युद्ध, युद्ध के बारे में नहीं बताया एक बार फिर बताता हूं जितना भी सप्लाई सियाचिन में आता था वो सारा सप्लाई मैदानों से आता था प्लेन्स एरिया से आता था और पहले श्रीनगर पहुंचता था फिर श्रीनगर में ट्रकों के अंदर बंद ट्रकों के अंदर रखकर उसको नेशनल हाईवे नंबर वन ए के छोटे पतले से रूट से आगे ले जाते हुए पहाड़ी इलाकों से लेह तक पहुंचाया जाता था लेह में ये सामान आता था और फिर लेह से सियाचिंग ग्लेशियर तक इसको पहुंचाया जाता था परवेज मुशर्रफ का प्लान इस एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत क्लोज है भारत की सड़क से और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं और ये कारगिल द्रास सेक्टर के इलाकों के पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बैठ जाए अपनी बड़ी बड़ी गन्स लेके और लगातार फायरिंग करें नेशनल हाईवे नंबर वन ए के ऊपर और उसको डिस्ट्रॉय कर दे कि वहां से कोई ट्रक आगे ही नहीं बढ़ पाए तो लेह भारतीयों के कंट्रोल से निकल जाएगा लेह में कोई सामान नहीं आएगा और लेह में कोई सामान नहीं आएगा तो सियाचिन में भी पहुंच नहीं पाएगा और मैंने आपको बताया कि बिना लॉजिस्टिक्स के सियाचिन में कोई सैनिक दो दिन से ज्यादा नहीं रह सकता सो दिस वाज़ द प्लान जनरल परवेज मुशर्रफ वाज़ सो डिसगस्टेड एंड सो फ्रस्ट्रेटेड विथ हिस्स प्रीवियस डिफीट इन सियाचिन की जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सियाचिन को वापस जीत के रहूंगा मेरे ऊपर जो ये धब्बा लगा हुआ है कि मैंने अपने लीडरशिप में सियाचिन को लूज किया ये काला धब्बा मैं अपने ऊपर से पहुंच के रहूंगा मिटा के रहूँगा और इसीलिए प्लान किया गया लेकिन एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता कई लोगों के मन में कि सर ये जो भारत का इलाका था यहां पे तो भारत की सेना रहती होगी तो ऐसे कैसे पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत की चोटियां कब्जा कर लेंगे यहां पर भी एक योजना थी पाकिस्तान की जो धोखे के ऊपर बेस्ड थी अभी तक जो प्लान पाकिस्तान ने किया इट्स ऑल राइट लेकिन अब जो पाकिस्तान ने किया वो एक धोखा था धोखा क्यों था मैं आपको बताता हूं यहां पे ऊंची ऊंची चोटियां किस बहुत डिफिकल्ट टरीन है जो आगे के फोटोग्राफ में मैं आपको बताऊंगा बहुत टफ टरीन है और इस टफ टरीन के अंदर ऊंची ऊंची चोटियों पे ठंड के मौसम में इतनी बर्फबारी होती थी इतनी बर्फबारी होती थी कि वहां के वहां पे ऊपर मौजूद भारतीय सैनिक नीचे आ जाते थे मतलब तो बहुत दूर नहीं जाते थे बस चोटियों पे नहीं रहते थे निचले इलाकों में आ जाते थे जैसे टोलोलिंग के पहाड़ पे अगर हमारे सैनिक हो तो टोलोलिंग के पहाड़ पे ना रहते हुए द्रास टाउन में रहने लगते थे पाकिस्तान ये बात जानता था कि ठंड के मौसम में हम भी अपनी चोटियों से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि रहना बहुत मुश्किल होता है और भारतीय भी अपनी चोटियों से नीचे उतर जाते हैं लेकिन अगर इन ठंड के मौसम में हम आगे बढ़े और हम आगे बढ़ के भारतीय चोटियों के ऊपर कब्जा कर लें तो हमारी मूवमेंट को भारतीय डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे जिस तरह वो अपने पीक से नीचे उतर के गए हैं वैसे ही हम भी अपने पीक से नीचे उतर के जाएंगे ऐसा ही भारतीय सोच रहे होंगे लेकिन इस बार हम अनएक्सपेक्टेड करेंगे और अपने पीक से उतर के नीचे नहीं जाएंगे बल्कि भारतीयों के पीक्स के ऊपर चढ़ के उसको कब्जा कर लेंगे क्योंकि कोई इंडियन सोल्जर वहां पे मौजूद ही नहीं होगा तो हमको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा हम इजीली पीक्स के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाएंगे और एक बार हम इन चोटियों के ऊपर बैठ गए इन पीक्स के ऊपर बैठ गए तो फिर भारतीयों को पसीने आ जाएंगे हमको इन पीक से हटाने में एंड बाय दैट टाइम तो हम इनके नेशनल हाईवे नंबर वन ए को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे और लेह को कट ऑफ कर देंगे पूरी तरह श्रीनगर से अल्टीमेटली सियाचिन भारत के हाथ से गया और हुआ भी यही अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पाकिस्तान ने यह एक्शन 1998 से ही शुरू कर दिया था जैसे ही 1998 में अर्ली विंटर्स की शुरुआत हुई या इवन मैं अगर उससे भी पहले जाऊं तो सितंबर 1998 से ही पाकिस्तान ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारियां शुरू कर दी थी अच्छा एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी 1998 में ही अर्ली 1999 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस समय प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे पाकिस्तान गए थे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए जब दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये सारी प्लानिंग्स चल रही थी और हमारी प्लानिंग क्या चल रही थी जो कि अच्छी बात थी दुश्मनी लड़ाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का कोई भी अच्छे सिविलाइज्ड कंट्री को हमेशा बातचीत के द्वारा शांति से ही मुद्दों को सॉल्व करना चाहिए इसी में सबकी भलाई होती और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया था कि पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे पाकिस्तान जाएंगे और वो भी बीजेपी के थे जो कि बहुत ही राइट विंग पार्टी मानी जाती है भारत के अंदर फिर भी आप सोचो कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया कि वो गए पाकिस्तान उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वहां गए लाहौर में मिलने के लिए पूरी बस भर के गई बस में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और भी बहुत सारे लोग थे उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज थी जो उनके साथ में गए थे पाकिस्तान गए पाकिस्तानियों ने भी बहुत अच्छा वेलकम किया बहुत अच्छा वेलकम करके अच्छी इन लोगों का अच्छे माहौल में बातचीत हुई और लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ दोनों के बीच में एक तरफ जहां पर ये सारी प्लानिंग चल रही परवेज मुशर्रफ के दिमाग में वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की पहल कर रहे हैं पाकिस्तान जा रहे हैं लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं अब यहां पे एक मुद्दा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की प्लानिंग कर रहा था कि वो भारत के इलाकों पर हमला करके चोटियां कब्जा करेगा लेह निकाल लेगा सियाचिन ग्लेशियर ले, ले लेगा तो क्या ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता थी या नहीं पता थी इस बात को लेके नवाज शरीफ का तो यही कहना है कि नहीं पता थी मुझे परवेज मुशरफ ने कभी बताया नहीं इस बारे में और अगर बताया भी तो मिसगाइड करते हुए बताया मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत में घुस जाएंगे जनरल परवेज मुशर्रफ का ये कहना था कि डेफिनेटली बताया मैंने इनको एक बार नहीं दो बार ब्रीफ किया था इस बारे में तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जनरल परवेज मुशरफ ने नवाज शरीफ को यह बताया था कि हम इस तरह का एक्शन करने वाले हैं भारत के अंदर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती की पहल करी पाकिस्तान आए लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ तो अगर ये बात सच है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता था सब कुछ और फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिला रहे थे लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये धोखे की हाइट्स है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो बड़े देश एक दूसरे के साथ डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं और पीठ के पीछे एक देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा है इससे बड़े धोखे की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको मॉडर्न वर्ल्ड में अगर यह बात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को पता थी तो इससे बड़ा कोई धोखे का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया का इतिहास आप देख लो जितने भी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं अरब कंट्रीज इसराइल अमेरिका रशिया या कोई भी दुनिया के देश नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सबने एक दूसरे से लड़ाइयां करी लेकिन इतना बड़ा धोखा सबकी आंखों के सामने कि एक तरफ डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं दूसरी तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के ही बूते की बात है वही कर सकता है बाकी दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सकता उसकी इस लेवल का धोखा करने में हालांकि एक और बात को हम मान सकते कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नहीं पता था कि इस तरह का कोई मिलिट्री एक्शन प्लान हो रहा है अगर हम इस बात को माने तो भी जनरल परवेज मुशरफ तो धोखेबाज था ही सही उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया अपने देश के लोगों को भी धोखा ही दिया उसने जब देश दोस्ती की पहल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और उन दोस्ती कर रहे देशों को युद्ध में धकेल देना एक देश के लोगों के साथ भी धोखा है प्राइम मिनिस्टर जनरल परवेज मुशरफ ने न अपने नेवी चीफ को बताया न अपने एयरफोर्स के मार्शल को बताया किसी को भी नहीं बताया इन्होंने बहुत सीक्रेसी के साथ में प्लान एग्जीक्यूट किया और फिर अब चाहे जिसी को बताया हो या ना बताया हो लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होता है ये लोग ठंड के दिनों में आगे बढ़ते हैं भारत की पोस्ट्स को कैप्चर करते हैं और बाद में जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है लगभग मई के महीने में इवन मई के महीने भी बर्फ ठीक से नहीं पिघलती उन इलाकों में ये बर्फ जून में ज्यादा पिघलना शुरू होती जुलाई में ज्यादा पिघलना शुरू होती तो भी मई के महीने में कुछ बर्फ पिघल जाती एक्सट्रीम विंटर्स खत्म हो जाती है तो ये चरवाहे जाने लगते हैं पहाड़ी इलाकों में नई हरी हरी घास को चरवाने के लिए अपने कैटल को और वहीं पर पहली बार डिटेक्शन हुआ कुछ चरवाहों ने इन सोल्जर्स के मूवमेंट्स को देखा और उन्होंने आके इंफॉर्मेशन दी इंडियन आर्मी को और फिर इंडियन आर्मी ने एक्शन किया उसके बाद में और यहां पे ये फेल हो गए पाकिस्तानी सब कुछ बढ़िया किया पाकिस्तानियों ने जब तक भारतीय सेना नहीं आ गई जैसे ही भारतीय सेना आई उसके बाद पाकिस्तान को सेटबैक्स लगने शुरू पड़े हालांकि शुरुआती फेज की जो लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज था बिकॉज देखो सीधी सी बात है अगर आप अपने चुपचाप बैठे हुए हो कुर्सी पे चुपचाप बैठ के अपना अखबार पढ़ रहे हो और अचानक से मैं आ जाऊं और आपके आके आपको धक्का दे दूं और आपको मारने लगूं तो कुछ तो मैं आपको मार ही लूंगा क्योंकि आप तैयार ही नहीं हो ना लड़ाई के लिए आप तो चुपचाप बैठ के अखबार पढ़ रहे हो उसमें कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो ये अचानक मैं आ जाऊं आपको धक्का दे दूं कुर्सी से गिरा दूं आप गिर जाओ एकदम आप भी हल्के से ट्रॉमा में आ जाओ कि ये क्या हुआ और एकदम आपके ऊपर चढ़ के धड़ाधड़ आपको घुसे मारने लग जाओ तो कुछ तो घुसे पड़ेंगे कुछ तो आप खाई लोगे लेकिन फिर उसके बाद जब आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे पे हमला हुआ है और अब मुझे बचना है तो फिर आप मुझे धक्का दोगे और फिर अपनी ताकत मुझे दिखाओगे फिर जो भी ज्यादा ताकतवर होगा वो जीतेगा तो यहां पे भी यही केस था पाकिस्तान ने जो किया सब धोखे से किया कोई सीनातान की लड़ाई नहीं करी पाकिस्तान ने धोखे से घुसा धोखे से चोटियां कैप्चर करी और अचानक भारतीयों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करी भारत की पेट्रोलिंग पार्टीज जो कम नंबर्स में रहती थी उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया इस तरह की शुरुआती नुकसान भारत को पहुंचाए तो शुरू में भारत को कुछ नुकसान हुआ बट वो इसीलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तानी बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि उन्होंने उस समय धोखे से एक एडवांटेजियस पोजिशन गेन कर ली थी लेकिन फिर भारतीयों ने इस लड़ाई को समझा पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव को समझा और पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव को समझ के अपनी प्लानिंग बना के काउंटर अटैक्स किए और उन काउंटर अटैक्स में लड़ाइयां शुरू हुई जून के महीने से मई के एंड से बड़ी बड़ी लड़ाइया शुरू हुई तो मई का एंड जून का पूरा महीना और जुलाई के अर्ली फर्स्ट और सेकेंड वीक खासतौर पे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सबसे डिफिकल्ट और सबसे बड़े बैटल्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लड़े गए थे और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बड़े बड़े बैटल्स खत्म होने के बाद फिर पाकिस्तानी ज्यादातर पोजीशन से तो पीछे हट गए थे फिर भी इंडियंस ने एहतियातन जल्दीबाजी में अपनी विक्ट्री डलेयर नहीं करी थी इंडियंस टुक देयर टाइम सर्वेड द एरिया सर्वेड मोस्ट ऑफ द हाइट्स एंड वेन दे वेर कंप्लीटली अश्योर ऑफ द फैक्ट दट वी आर इन द कमांडिंग पोजिशन इन द इंटायर रीजन एंड देर आर नो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन लेफ्ट इन द इंडियन टेरिटरी उसके बाद ही उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन विजय इज सक्सेसफुल और तभी 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है तो ये तो कारगिल की पूरी कहानी एना नाटशल थी जो कि पिछले साल मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से एक एक युद्ध हुआ था अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना आप जाके चैनल पे ये वो वीडियो अभी भी है वो वीडियो कारगिल दिवस डिफेंस वाला चैनल ऐसा करके आप टाइप करोगे तो उसका लिंक आपको आ जाएगा लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो जो पूरे बैटल का नरेशन होता था उसमें कहीं ना कहीं मैं वो एक दो कहानियां थी जो नहीं शेयर कर पाता था आप लोगों के साथ में वो कहानियां शेयर करूंगा देखो कारगिल की लड़ाई के बारे में मैंने इस सेशन की शुरुआत में भी कहा था कि जितनी भी लड़ाइयां हैं कारगिल के अंदर लड़ी गई आप आग बन के आग बन करके कोई सी भी लड़ाई की कहानी को उठा लोगे तो उसमें आपको बहुत सारा वैलर दिखाई देगा बहुत सारी ऐसी एक्शंस uh, दिखाई देगी जो अनबिलीवेबल लगती कि ऐसा कैसे कोई कर सकता था ये नियर इम्पॉसिबल टास्क था और वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टेरेन में देखो भारत के सैनिकों को सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़नी थी भारत के सैनिकों को एक बहुत डिफिकल्ट लड़ाई लड़नी थी जो कि इस फोटोग्राफ से आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी अब आप यहां पे देख रहे हो ये कारगिल के इलाके का टरीन है और नीचे मकान बने हुए ह्यूमन सेटलमेंट से अब मकानों की हाइट आप जानते हो मकानों की हाइट कितनी होती भाई तीस फुट के होते हैं पच्चीस फुट के होते हैं चालीस फुट के भी हो सकते हैं मकान अब आप जरा ये देखो कि इन पहाड़ों के आगे मकान खिलौने लग रहे हैं और इससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानियों ने अपनी पोजीशंस बना ली थी और भारतीयों को बिल्कुल यहां से आगे बढ़ के इन पोजीशंस को कैप्चर करना था हाउ डिफिकल्ट हाउ हाउ डिफिकल्ट अगर आप में से कोई पहाड़ चढ़ा है तो ही वो जान सकता है कि पहाड़ों में चढ़ना कितना मुश्किल होता है और आप में से ज्यादातर लोग तो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं या पठारी इलाकों के रहने वाले हैं जो ऑक्सीजन कंटेंट जहां बहुत अच्छा होता है कुछ लोग पहाड़ों के भी रहने वाले होते हिमाचल प्रदेश कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों में या फिर साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स तो वो लोग जानते हैं इस बात को कि जब पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना होता है तो शुरुआती कुछ कदमों के बाद में सबकी अपने अपना अलग अलग स्टैमिना होता है लेकिन शुरुआती कुछ कदम चलने के बाद में रुकना पड़ता है सांस लेनी पड़ती है और फिर ऊपर वापस चढ़ना पड़ता है फिर थोड़ी देर और जैसे जैसे आप और ज्यादा ऊपर चढ़ते जाते हो आपको रुकना जल, जल्दी जल्दी पड़ता है क्यों क्योंकि आप हाँ बहुत जल्दी थकते हो या गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी तो बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों पे चढ़ना लेकिन ये एरिया बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे उससे भी ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि इन एरियाज में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम था हाई एल्टीट्यूड के एरियाज हैं आप सब लोग पढ़े लिखे लोग आपको ये बात पता है कि उच्च एल्टीट्यूड के इलाकों में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम हो जाता है अब आप ये सोचो कि आपको इतना ऊंचा पहाड़ भी चढ़ना है ऊपर से नेचुरली ऑक्सीजन कंटेंट भी कम है तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और इसमें डिफिकल्टी और बढ़ गई जब आपके कंधे पे बैटल लोड भी है आप पहाड़ पे हाइकिंग करने माउंटेनियरिंग करने या पिकनिक मनाने के लिए नहीं चढ़ रहे हो आप पहाड़ पे चल रहे हो दुश्मन से लड़ने के लिए मुकाबला करने के लिए और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आपको अपने पास में बहुत सारी गोलियां चाहिए एम्यूनेशन चाहिए वेपन चाहिए आर्म्स चाहिए तो ये एक आदमी उस समय जब लड़ाई के लिए जा रहा था तो वो अपने बैग में जितना एम्यूनेशन हो सके उतना रख लेता था क्योंकि यू नेवर नो लड़ाई कब तक चलेगी और कब दुश्मन और आप आपने सामने हो जाए उस समय अगर आपके पास गोलियां नहीं बची तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इसीलिए पंद्रह पंद्रह सत्रह सत्रह किलो के एम्यूनेशन रख के एक एक सैनिक अपने कंधे पर इन पहाड़ों को चढ़ रहा था और इन पहाड़ों के ऊपर बहुत ही कम ऑक्सीजन कंटेंट था इस एरिया के अंदर वेपन भी उसको अपने हाथ में कैरी करके रखना पड़ रहा था जो कि लगभग तीन चार किलो से सात किलो के बीच में होता ही होता है हेवी वेपन होते थे और ये सब तो चल ही रहा है ऊपर से एनीमी भी फायर कर रहा है एनीमी यहां बैठ के लगातार फायरिंग कर रहा है यहां पे गोले गिरा रहा है बम बरसा रहा है अगर उसके क्लोज कोई पहुंच रहा है तो उसके ऊपर सीधे फायरिंग कर रहा है ऑक्सीजन कंटेंट कम है पहाड़ तीखे ढलान वाले हैं एनीमी ऊपर से फायरिंग कर रहा है कंधे पे बहुत सारा बोझ है हाथ में वेपन कैरी करके रखा हुआ है नियर इम्पॉसिबल टास्क नियर इम्पॉसिबल टास्क है ये कि कोई यहाँ से चढ़ के वहां पे कैप्चर कर ले भारतीय जनरल्स ने एक प्लान बनाया था भारतीय जनरल्स ने एक प्लान बनाया था कमांडर्स ने एक प्लान बनाया था इनिशियली कि अगर हमने सीधे हमला किया और सीधे हमला करके हमने पाकिस्तान को हराने की कोशिश करी तो हम हरा तो देंगे लेकिन इसमें नुकसान हमारा बहुत होगा बिकॉज पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया अब धोखे से ही सही बट द पाकिस्तान इज नाउ ऑक्यूपाइंग वेरी एडवांटेजियस हाइट्स और इसीलिए हमारे ऊपर आने वाले सोल्जर्स को वो बहुत इफेक्टिवली शूट कर सकते तो हमारे बहुत सारे सैनिकों को वीर प्राप्त हो जाएगी और इसीलिए उनका प्लान ये था कि जिस तरह पाकिस्तान ने एलओ पार करी है उस तरह से हम भी एलओसी पार कर लेंगे और एल पार करके पाकिस्तान के इलाके में यहां पे पीछे से कट ऑफ कर देंगे उनको और उनको जब हम कट ऑफ कर देंगे तो उनके सोल्जर्स जो यहां पे मौजूद हैं उनके आर्म जम्यूनिशन और लॉजिस्टिक्स खत्म होने लग जाएगा तब फिर हम उनके ऊपर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरह हम जल्दी भी जीत जाएंगे और हमारे सैनिक भी बहुत कम वीरगति को प्राप्त होंगे ये बहुत बढ़िया प्लान था इस प्लान की मदद से हमारे बहुत कम सैनिक वीरगति को प्राप्त होते और लड़ाई भी हम बहुत जल्दी जीत जाते जो एक दो महीने लड़ाई चल गई इतनी लंबी चलती भी नहीं कुछ दिनों के अंदर ही यह लड़ाई हम जीत जाते लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस बात को नहीं माना क्योंकि वो ये चाहते थे कि भारत एल पार नहीं करे अगर भारत ने एलओ पार करी तो दुनिया के कई देश भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने लग जाएंगे कि ठीक है उन्होंने एलओ पार करी आपने भी एलओसी पार करी लेकिन हम रिस्पॉन्स में एल पार कर रहे थे पर्सनली मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था अलाउ करना चाहिए था हमारी आर्मी को एलओ पार करके पीछे से पाकिस्तानियों को कट ऑफ कर दो उनके सप्लाईज कट ऑफ कर दो और वो यहां पर घिर लिए जाए और उसके बाद उनको यहां से हटा दिया जाए लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो तय करती है भारत में वही होता है जनरल्स को भी उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है तो ये और डिफिकल्ट बन गया था ऑपरेशन कि अब हमला सामने से ही करना था वरना अगर ये हमला पीछे से किया जाता जाके कि पीछे हम लोग आ गए और कट ऑफ कर दिया तो यहां पे जो दुश्मन बैठा हुआ था कुछ दिन में उसका खाना खत्म हो जाता उससे पीछे से और सप्लाईज मिलती नहीं पाकिस्तान से इंडियंस धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ के यहाँ पे ऐसी जगहों पर ऑक्यूपाई कर लेते जहाँ पे उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था और वहाँ से लगातार पाकिस्तानियों के ऊपर शलिंग करते फायरिंग करते पाकिस्तानी भी क्रॉस फायरिंग करते तो धीरे धीरे पाकिस्तानियों की गोलियाँ भी खत्म हो जाती और फिर एक वक्त ऐसा आता कि पाकिस्तानियों के पास न खाना बचता न पाकिस्तानियों के पास में गोलियाँ बचती और उसके बाद बड़े आराम से उन पाकिस्तानियों को हराया जा सकता था उन्हें पकड़ के प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जा सकता था बाद में उनके देश वापस छोड़ देते उनको या फिर उनको गोली मार के खत्म भी किया जा सकता था या उन्हें भगा दिया जा सकता था भाग के तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि पीछे भी इंडियंस आ जाते बट ये बेहतरीन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ और एकदम जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट बुक प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि भाई हम सामने से हमला करेंगे और दुश्मन को खदेड़ देंगे चोटी से जो कि कहने में आसान लगता है अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप एक पहाड़ चढ़ के देखना जो 100 200 या 300 फुट का उस पहाड़ को चढ़ते वक्त जब आपको बहुत तेजी से सांस चलने लग जाए तब एक बार इस बारे में सोचना और आप पहाड़ चढ़ना कुछ बैग वैग लेके मत चढ़ना बस सिंपली पहाड़ चढ़ना हल्के कपड़े पहन के और जब आपको बहुत थकान होने लग जाए जब आपकी सांस चलने लग जाए जब आपके माथे के यहाँ पे एक नस फड़कने लग जाए तब आप कारगिल के अंदर वो सैनिकों के बारे में सोचना कि वो पंद्रह सत्रह किलो का बैटल लोड लेके हाथ में चार पांच किलो की राइफल लेके दुश्मनों की गोलियों के सामना करते हुए कम ऑक्सीजन कंटेंट वाले इलाके में कैसे चढ़े होंगे वहां तक और सिर्फ चढ़े नहीं कि चढ़ गए और छू के आ गए दुश्मन से लड़ाई भी करनी उनको जाके वहां पे इतना थकने के बाद ऊपर जाके दुश्मन से मुकाबला भी करना है और इस मुकाबले में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है किसी से लड़ाई करते वक्त इंसान की कैलोरीज जितनी ज्यादा बर्न होती है उतनी किसी और एक, एक्शन में नहीं होती आप पांच किलोमीटर दौड़ लो और बॉक्सिंग का एक मैच खेल लो किसी के साथ में आपकी बराबर कैलोरीज बर्न होगी तो ये सब करते हुए ऊपर जाना है और फिर दुश्मन से लड़ना भी है इसीलिए मैं कहता हूं कि नियर इंपॉसिबल टास्क था ये उस इलाके के अंदर इतनी ऊंचाई कम ऑक्सीजन बैटल लोड दुश्मन फायरिंग हैंड टू तो हैंड कॉम्बैट नियर नियर इम्पॉसिबल टास्क लेकिन हमारे सैनिकों ने करके दिखाया और इसीलिए भारतीय सेना की माउंटेन वॉरफेयर स्किल्स का पूरी दुनिया में कोई मैच नहीं जितना अच्छा पहाड़ों में भारतीय सेना लड़ती है पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो उनसे अच्छा लड़ पाए इन पहाड़ों के अंदर और अगर दूसरा कोई है भारत के अलावा तो वो पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान ही हमसे लड़ा है इतने पहाड़ों में लेकिन वो दूसरा जो है हमसे बहुत पीछे है लेकिन आज भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी आर्मीज जिन जो खुद बहुत बड़ी आर्मीज है अमेरिकन आर्मी इजरायली आर्मी, आर्मी रशियन आर्मी या और भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की बड़ी बड़ी आर्मीज उनके ऑफिसर्स भारत आते हैं माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने के लिए क्योंकि भारत के योद्धाओं को जो अनुभव मिला ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई करने का उसकी वजह से इनके स्किल का कोई मैच ही नहीं है तो ये तो रही बात हमारे सैनिकों की और इस लड़ाई की कि किस तरह से एक एक करके हमारे सैनिकों ने इस लड़ाई को जीता अब मैं वो दो कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं करना चाहता था कभी भी लेकिन कर नहीं पाया और पहली कहानी है कैप्टन हनीफुद्दीन की पहली कहानी कैप्टन हनीफुद्दीन की है कैप्टन हनीफुद्दीन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा शायद नहीं सुना होगा मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कैप्टन हनीफुद्दीन जो कि ओरिजिनली डेली के रहने वाले थे एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थे और दिल्ली में इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी थी और बाद में शिवाजी कॉलेज में गए थे और उनका निकनेम वहां पे हो गया था मिस्टर शिवाजी क्योंकि शिवाजी कॉलेज में रह के उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था एज ए स्टूडेंट एंड इन दी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज दैट ही वॉज नेम्ड एज मिस्टर शिवाजी उन्हें मिस्टर शिवाजी कहा जाता था बट बहुत टैलेंटेड थे बहुत ही प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे चाहते तो अपना करियर कहीं पे भी बना सकते थे लेकिन शुरू से ही दिल्ली के इस लड़के के मन में देश की सेवा करने की इच्छा थी इसीलिए कैप्टन हनीफुद्दीन ने तय किया कि वो भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे और कैप्टन हनीफुद्दीन की कहानी में एक और खास वजह से आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम्स हैं मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हीरोज रहे हैं जिनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं हिंदूज भी उनसे प्रेरणा ले सकते सारे भारत के लोग कोई भी हो वो सब प्रेरणा ले सकते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूं अपने मुस्लिम दोस्तों को या अपने मुस्लिम स्टूडेंट्स को कि तुम्हारी प्रेरणा के ये स्रोत होने चाहिए कभी भी गौरी या गजनवी को अपना आइडियल मत बनाओ औरंगजेब को अपना आइडियल मत बनाओ बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जिन्होंने देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और वो आदर्श होने चाहिए पूरे समाज के आदर्श होने चाहिए और उन्हीं में से एक है कैप्टन हनीफुद्दीन जिनकी कहानी मैं हमेशा शेयर करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया लेकिन आज कर रहा हूं उनकी कहानी में शेयर तो कैप्टन हनीफुद्दीन कुछ भी कर सकते थे बहुत प्रोमिनेंट थे बहुत ब्रिलियंट थे लेकिन उन्होंने फौज ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा उनकी इच्छा थी एग्ज़ाम दिया उन्होंने सी का सी का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया और उसके बाद में ट्रेनिंग करके वो पहुंच गए इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी में उनको इनिशियली सर्विस स्कोर जैसे मैं हमेशा बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप सेना ज्वाइन करते हो आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो आपको चॉइस ऑफ आर्म्स मिलता है यानी कि आप कौन से आर्म्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर सपोज आप राजपूत रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो सिख रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हो गोरखा ज्वाइन मराठा एंड देर आर सो मेनी मोर कोई कोई, कोई इन्फेंट्री ना ज्वाइन करके आर्मड ज्वाइन करना चाहते कि मुझे टैंक वॉरफेयर का शौक है कोई आर्टिलरी ज्वाइन करते वैसे ही कैप्टन हनीफुद्दीन को सर्विस ग्रुप मिला जिसको आर्मी सर्विस कोर कहा जाता है जैसे नेपोलियन कहते थे नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जनरल है वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि एन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक एक सेना अपने पाओ के बल नहीं अपने पेट के बल चलती क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर द आर्मी तो आर्मी के लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए और टाइमली सप्लाई करने के लिए आर्मी ने एक आर्मी सर्विस कोर के नाम से एक पूरा आम बना के रखा हुआ है और इसमें भी बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं और ये सारे ऑफिसर्स लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो भारतीय सेना को जरूरत के वक्त चाहिए होता है और लगातार ही चाहिए होता है लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं इस सर्विस ग्रुप के अंदर सर्विस कोर के अंदर उन ऑफिसर्स को भी युद्ध का प्रशिक्षण तो होना ही चाहिए भले ही वो मैनेजमेंट कर रहे हो लॉजिस्टिक्स का लेकिन अगर आप सेना में हो तो आपको लड़ना तो आना ही चाहिए और ये तो ऑफिसर्स होते थे तो इनके लिए तो बहुत जरूरी होता था कि इन्हें अपने ट्रूप्स को कमांड करना आना चाहिए और इसीलिए आर्मी सर्विस कोर के बहुत सारे ऑफिसर्स को उनकी फील्ड एक्सपीरियंस उनको फील्ड एक्सपीरियंस देने के लिए अलग अलग यूनिट्स के साथ में अटैच कर दिया जाता है उनके करियर के शुरुआती दौर में खासतौर पे जहाँ पे एक्चुअली आपको फील्ड में जाके बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ऑपरेशंस करने पड़ते हैं एक्शन देखना पड़ता है तो इस तरह के यंग ऑफिसर्स किसी भी आर्म्स में हो वो ज़रूर फील्ड में तैनात यूनिट्स का हिस्सा बनते रहते हैं इनका अटैचमेंट होता रहता है और इस अटैचमेंट के प्रोसेस में वो किसी इन्फेंट्री यूनिट के साथ या किसी आर्मर्ड यूनिट के साथ में बहुत लंबा वक्त गुजारते हैं ताकि कॉम्बैट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको मिल जाए तो वैसे ही कैप्टन हनीफुद्दीन जो ओरिजिनली तो आर्मी सर्विस कोर के एक ऑफिसर थे लेकिन अब वो राजपूताना राइफल की ग्यारहवीं बटालियन के साथ में जुड़ गए थे इलेवन राजपुताना राइफल बटालियन के साथ में कैप्टन हनीफुद्दीन को अटैच किया गया था ताकि उनको उस यूनिट के साथ कुछ दिन रहने का कुछ साल रहने का मौका मिले और कॉम्बैट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो क्योंकि ये भी एक बेहतरीन ऑफिसर थे और इन्होंने भी घातक कोर्स करके रखा हुआ था कमांडो कोर्स करके रखा हुआ था तो इसीलिए ये घातक सेक्शन को लीड किया करते थे अब द फेट कि जब ये इलेवन राज के साथ में अटैच हुए थे उसी वक्त ये कारगिल के इंट्रूजन हुए थे और उसी वक्त इलेवेंथ राजपुताना राइफल्स को ये ऑर्डर्स मिले थे कि आपको काक्सर सेक्टर में जाना है और काक्सर सेक्टर में जाके एक ऊंची चोटी के ऊपर कब्जा करना है उस ऊंची चोटी के ऊपर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो हम एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे जिस पोजीशन से हम आसपास के इलाके को डोमिनेट करेंगे और वहां से दुश्मन की हर गतिविधि को हम मॉनिटर कर सकते हैं देख सकते हैं। तो इलेवन राज रिफ के इलेवन राजपूताना राइफल के सैनिकों को, को यह टास्क मिला था कि उनको आगे बढ़ के काक्सर सेक्टर में ऊंची चोटी को कब्जा करना है और उस ऊंची चोटी के ऊपर पहले दुश्मन को खदेड़ना है उसके बाद कब्जा करना है उस ऊंची चोटी के ऊपर और डोमिनेट करना है आसपास के एरिया को ताकि आगे के ऑपरेशंस करने में हमें आसानी हो तो ये इनिशियल टास्क इलेवन राज को मिला था इलेवन घातक सेक्शन कैप्टन हनीफुद्दीन की लीडरशिप में आगे बढ़ता है और कैप्टन हनीफुद्दीन की लीडरशिप में आगे बढ़ के ये धीरे धीरे माउंटेन्स में दुश्मन से नजर बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के दुश्मन के काफी करीब आ जाते हैं जहां से आगे बढ़ना और दुश्मन से छुपना पॉसिबल नहीं था या तो दुश्मन से छुपे रह सकते थे या फिर आगे बढ़ने के प्रोसेस में दुश्मन को पता चलता ही चलता और वहीं पे जब ये एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां ये एक अच्छी पोजीशन इनकी बन गई थी और दुश्मन ने इनको देख लिया तो दुश्मन ने इनके ऊपर फायर करना शुरू किया नाउ शॉक एंड सरप्राइज ऑफ द इलेवन पोजीशन पे वो थे और जिस दुश्मन की को तो उन्हें पता चला कि जिस दुश्मन से हमें लड़ना है उससे तो लड़ना ही है लेकिन उसके अलावा दो तीन और पोजिशन है इस एरिया में जहां पर दुश्मन डोमिनेट करके बैठा हुआ है और वहां से भी हमारे ऊपर फायरिंग आ रही है अब घातक सेक्शन ट्रैप हो चुका था और घातक सेक्शन ट्रैप होके बुरी तरह से कई दिशाओं से दुश्मन की गोलाबारी का शिकार हो रहा था अब सबसे बड़ा टास्क यह था कि हमले को दोबारा करने के लिए पहले नीचे आना पड़ेगा ताकि सोल्जर्स की कैजुअलिटीज ना हो नीचे आएंगे रीग्रुप करेंगे अपने आप को और दूसरा प्लान बना के फिर हमला करेंगे क्योंकि ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एक बहुत बड़ा शॉक लगा कि दुश्मन की और भी पोजीशंस थी यहां पे कैप्टन हनीफुद्दीन का सेल्फलेस सेक्रीफाइस उनकी लीडरशिप और उनकी ब्रेवरी में आती। कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपने सैनिकों को कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं आपका अधिकारी हूं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी सेफली वापस नीचे की तरफ जाएंगे जहां से आप वापस काउंटर अटैक करोगे क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से फायर कर रहा है इसीलिए मैं अपनी मशीन गन का यूज करके दुश्मन के ऊपर फायरिंग करके दुश्मन को एंगेज करके रखूंगा और उसी एंगेजमेंट की प्रोसेस में आप सभी लोग नीचे की तरफ वॉक करके चले जाएंगे और इनके कई जवान ये कहते हैं इनको कि नहीं साहब आपको अकेले छोड़ के इस तरह से हम नहीं जाएंगे लेकिन कैप्टन हनीफुद्दीन ने कहा कि नहीं ये मेरा आदेश है कि मैं एंगेज करूंगा एनिमीज को और आप लोग नीचे जाएंगे सैनिक कह रहे थे कि नहीं साहब हम दुश्मन को एंगेज करेंगे आप हमारे अधिकारी हो आप नीचे जाओगे लेकिन कैप्टन हनीफुद्दीन अधिकारी थे और उन्होंने कहा आदेश मैं दूंगा कि नीचे आप जाओगे दुश्मनों को मैं एंगेज करूंगा और इस तरह उन्होंने दुश्मनों को कई घंटों तक एंगेज करके रखा फायरिंग में और इसी वजह से राज रिफ के उस सेक्शन के बहुत सारे सैनिक पहाड़ से नीचे की तरफ आ पाए जहां पे दुश्मन उनके ऊपर फायरिंग करके उनको फेटली फेटल कैजुअलिटीज कॉज नहीं कर सकता था लेकिन अकेले इतने अलग अलग तरीके से अलग अलग मोर्चे से आने वाले फायरिंग से मुकाबला करते हुए इन्हें भी कई इंजरीज लगी और इन्हें भी कई इंजरीज लगने के वजह से इनकी वहीं पर डेथ हो गई ये वीर गति को प्राप्त हो गए और ये तो अनफॉर्चुनेट है ही लेकिन इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात जो ये थी कि उस दिन जब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे जिस पहाड़ की चोटी के ऊपर क्योंकि वो बहुत हाइट पे पहुंच गए थे बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच गए थे जहां पर भारतीय सैनिकों का दोबारा जाना बहुत मुश्किल था और उन्होंने कवरिंग फायर देके दुश्मन को एंगेज करके अपने सैनिकों को नीचे उतार दिया खुद शहादत हासिल करी लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थे कि उनकी बॉडी को वापस नीचे नहीं लाया जा सका जब तक कारगिल का युद्ध खत्म नहीं हो गया और कारगिल का युद्ध खत्म होने के बाद सारे पाकिस्तानी इस एरिया से भगा नहीं दिए गए तब तक उनका शरीर वहीं पर रखा रहा ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी 43 थ्री डेज तिर दिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 42 और 43 थ्री डेज भारतीय सैनिक टुकड़ियां नहीं जा पाई अपने अधिकारी का शव उतारने के लिए क्योंकि बहुत ऊंचाई पे थे और लड़ाई के ज्यादातर वक्त वो एरिया दुश्मनों के द्वारा डोमिनेटेड रहा था फाइनल लड़ाई में जब दुश्मनों को खदेड़ा गया तब इनके शव को रिट्रीव किया जा सका था खैर इनका शव रिट्रीव होता है और पूरे सम्मान के साथ में उनको कफन दफन दिया जाता है तो ये कैप्टन हनीफुद्दीन के सेल्फ लेस सेक्रीफाइस की कहानी थी जिसके लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ऐसी ही एक और कहानी थी जो कहानी थी कैप्टन कैंगरूज की जिनका नाम प्रोनाउंस करने में बड़ा डिफिकल्ट होता है नेकी जैको कैप्टन नेकी जैको इन दोनों स्टोरीज के अंदर एक बात दोनों दोनों में मुझे बहुत कॉमन लगती है कि कैप्टन कैंगरूज भी ओरिजिनली सीडीएस का एग्जाम डी गए थे उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन करी थी और आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनको भी आर्मी सर्विस कोर ही मिला था जैसे कैप्टन हनीफुद्दीन भी आर्मी सर्विस कोर के एक ऑफिसर थे वैसे ही कैप्टन कैंगरूज भी आर्मी सर्विस कोर के ही एक अधिकारी थे ओरिजिनली और ये भी कोइंसिडेंस की बात है कि कैप्टन कैंगरूज को भी जब अटैचमेंट मिला उनके फील्ड एक्सपीरियंस के लिए कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए तो राजपूताना राइफल में ही मिला कैप्टन हनीफुद्दीन को भी जब अटैचमेंट मिला फील्ड एक्सपीरियंस के लिए तो राजरिफ में मिला इन्हें भी फील्ड अटैचमेंट के लिए जब एक्सपीरियंस मिला तो राजरिफ में ही मिला बस फर्क ये था कि कैप्टन हनीफुद्दीन इलेवंथ राजपूताना राइफल का हिस्सा थे और कैप्टन कैंगरूज सेकेंड राजपूताना राइफल का हिस्सा थे अब राजपूताना राइफल और वो भी सेकंड राजपूताना राइफल ने कारगिल की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका अदा करी थी टोलोलिंग की लड़ाई उन्होंने जीती थी जो कि दुश्मन का भारत के अंदर डीपेस्ट इनकर्जन था टोलोलिंग का पहाड़ नेशनल हाईवे नंबर वन के इतना करीब था कि अगर कोई बड़ी चट्टान टोलोलिंग के टॉप से धकेल दी जाती तो वो चट्टान ही गिर के नेशनल हाईवे नंबर वन तक आ जाती इतना नजदीक था टोलोलिंग नेशनल हाईवे नंबर वन ए के और इसीलिए की इस लड़ाई में इसीलिए टोलोलिंग की इस लड़ाई में राज रिफ ने जो शुरुआती हमला किया था और टोलोलिंग टॉप से दुश्मन को खदेड़ा था वह अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है मिलिटरीली एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी है वो साइकोलॉजिकली एक जबरदस्त केस स्टडी है वो कि कैसे हाउ इट वॉज पॉसिबल इतना पावरफुल था दुश्मन वहां पे कैसे उसको वहां से रिपेल किया वो कहानी मैं शेयर कर चुका हूं पिछले साल वाले कारगिल दिवस विजय दिवस के युद्ध में वो कहानी मैं शेयर कर चुका हूं तो वो कहानी आज मैं शेयर नहीं करूंगा लेकिन उसके आगे की एक और कहानी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कैप्टन कैंगरूस जो कि अगेन एक प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे देखो एक कॉमन बात होती सारे फौजियों के अंदर ये स्टूडेंट बहुत अच्छे होते इनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होता है ये पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे मैं जितने भी लड़कों के बारे में पढ़ता हूँ जितने भी ऑफिसर्स के बारे में पढ़ता हूँ जो वो लड़के थे वो सब अच्छे स्टूडेंट्स थे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ब्रिलियंट स्टूडेंट कैप्टन विक्रम बत्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट कैप्टन कैंगरूज ब्रिलियंट स्टूडेंट कैप्टन हनीफुद्दीन ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड यू नेम इट वी हैव इट कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट तो एक एक सबक भी मिलता है यहां से आपको आप एस्पायरेंट्स हो कि अगर आपको फौज ज्वाइन करनी है ना तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट अकेडमिकली यू हैव टू बी वेरी गुड सो ही वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी ही ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर ये काफी सालों तक लगभग चार पाँच साल तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर भी रहे थे ही हेल्ड फ्रॉम कोहिमा बच इज इन नागालैंड ये नागालैंड से आते थे कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में इनका एक गांव था वहीं जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे जाके बाद में इन्होंने सी का एग्जाम दिया उसको क्रैक किया और फिर ये आर्मी ज्वाइन करते हैं सर्विस कोर इनको इनिशियली मिलता है एज आर्म्स और फिर बाद में राजपूताना राइफल्स के साथ में इनका अटैचमेंट होता है ये वहां जाते हैं एंड जैसे कि मैंने कहा ये कोइंसिडेंटली जिस वक्त ये अटैच हुए थे राजरिफ के साथ में उसी वक्त कारगिल का युद्ध हो गया था राजरिफ ने जोरदार हमला बोला था टोलोलिंग के टॉप के ऊपर 12 जून 1999 को और राजपूताना राइफल ने हेवी कैजुअलिटीज का कीमत दे के टोलोलिंग को जीत के दिखाया था जिसको भारत ने पहले कई हमलों में नहीं जीत पाए थे टोलोलिंग के ऊपर दो तीन बड़े अटैक्स हो चुके थे भारत के लेकिन उसको जीत नहीं पाए थे राजरिफ ने पहला अटैक किया था और पहले ही अटैक में टोलोलिंग को टॉप को जीत लिया था लेकिन टोलोलिंग टॉप के पीछे भी एक लंबी रिजलाइन थी और उस रिजलाइन के ऊपर भी पाकिस्तानियों की बहुत सारी पोजिशन थी जहां से पाकिस्तानी अभी भी इंडियंस को रेजिस्ट कर रहे थे हालांकि तो अब वो परेशानी वाली बात नहीं रह गई थी लेकिन फिर भी अभी और आगे बढ़ना था और इस पूरी टोलोलिंग की रेज लाइन से टोलोलिंग टॉप तो कैप्चर हो गया लेकिन टोलोलिंग की रेजलाइन से भी दुश्मन को खदेड़ना था ताकि पॉइंट तक के एरिया पूरी तरह क्लियर हो जाए और इसी एक टास्क में कैप्टन कैंगरूज अपने घातक सेक्शन को लीड कर रहे थे फौज के अंदर हर पलटन में हर यूनिट में घातक होते हैं घातक वो सैनिक होते हैं जिन्होंने कमांडो कोर्स किया हुआ होता है बेलगाम से एंड दिस इज नो लेस देन द ट्रेनिंग ऑफ द पैरा एस इट इज एज गुड एज द द ट्रेनिंग ऑफ पैरा एफ और फॉर दैट मैटर मार्कोस ये इतना ही टफ कोर्स होता है मेंटली और फिजिकली कमांडोस को तोड़ा जाता है और उनको मेंटली बहुत मजबूत बनाया जाता है हमारे देश में हमारी सेना का एक थ्योरी है थ्योरी है या ये कहलू में कि सोच है कि शारीरिक रूप से बहुत आप मजबूत हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता युद्ध में वो जीतता है जो मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती और क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग खेल चुका हूं तो मुझे भी ये बात पता है कि बॉक्सिंग के मैच में भी वो जीतता है जो बहुत अच्छा मारता है वो नहीं जीतता है मारना तो पड़ेगा ही आपको बॉक्सिंग के मैच में लेकिन जो मार खाने की योग्यता रखता है जो घुसे खा के भी अपने पाओं पे खड़े रह सकता है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती तो इट्स ऑल अबाउट सहन शक्ति एंड्योरेंस तो ये जो घातक सोल्जर्स होते हैं और घातक ऑफिसर्स होते हैं इनको हाई इंड्योरेंस ट्रेनिंग दी जाती है इनका टेस्ट लिया जाता है ट्रेन किया जाता है इनको और जब भी लड़ाइया होती है तो लड़ाई में जब हमले होते हैं तो स्पियर हेडिंग पे यही घातक होते हैं यही घातक दुश्मन के ऊपर सबसे खतरनाक हिस्सों में हमला करते हैं या सबसे पहला हमला करते हैं। या जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है वहां इनको भेजा जाता है तो ये भी घातक को लीड कर रहे थे और घातक को लीड करके आगे बढ़ रहे थे इनका टास्क था टोलोलिंग की पीछे वाली रजलाइन के ऊपर दुश्मन का एक बहुत मजबूत मशीन गन पोजीशन था जहां पे दुश्मन की कुछ मशीन गन्स लगी हुई थी मीडियम मशीन गन्स और उन मीडियम मशीन गन्स की वजह से ऐसा फायर आ रहा था आगे बढ़ने वाले भारतीय सैनिकों के ऊपर जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो इन्हें ये टास्क दिया गया था कि आप मशीन गन पोजीशन के पीछे की तरफ से पहाड़ पे आगे चढ़ोगे और पहाड़ पे चढ़ के पीछे से मशीन गन पोजीशन के ऊपर हमला करोगे टेकिंग देम बाय कंप्लीट सरप्राइज और उस मशीन गन पोजीशन को आप क्लियर करोगे ये आपका टास्क है कैप्टन कैंगरूज बहुत जोश और खुशी के साथ इस टास्क को एक्सेप्ट करते और आगे बढ़ते अपने घातक सोल्जर्स के साथ ग्रेजुअली पहाड़ों की तीखी ढलानों पर ऊपर चढ़ते हुए ये दुश्मन के बहुत करीब पहुंच जाते लेकिन जब इनके और दुश्मन के बीच में लगभग कुछ सौ फुट की ही दूरी रह गई थी तो वहां पर एक खड़ी चट्टान आ गई एकदम 90 डिग्री तो नहीं थी लेकिन 85 डिग्री रही होगी या 87 डिग्री रही होगी या 80 डिग्री रही होगी 80 से 90 डिग्री के बीच में थी तो ऑलमोस्ट वर्टिकली थी वो नियर वर्टिकल थी अब प्रॉब्लम ये थी कि कुछ सौ फुट ऊपर चढ़ना है मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पचास सौ फुट ऊपर चढ़ना है और फिर सीधे दुश्मन की मशीनगन पोजिशन पे आप पहुंच जाओगे अब जब बाय द टाइम ये लोग चढ़ रहे थे तो दुश्मन इनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे अलग अलग तरफ से शेलिंग आ रही थी इनके ऊपर तो एक मोर्टर शेल इनके पास में आके ब्लास्ट हुआ था मोटर एक वेपन होता है जिसमें से इतना बड़ा शेल निकलता है इतना बड़ा भी हो सकता है इतना बड़ा भी हो सकता है अलग अलग तरह के कितने एमएम mm का मोर्टर है उस पर डिपेंड करता है तो ये शेल जो होता है ना मॉटर का शेल ये जब गिरता है किसी जगह और ब्लास्ट होता है तो उसमें से बहुत सारे स्प्लिंटर्स निकलते तो बाय द टाइम ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो दुश्मन का एक मॉर्टर शेल आके इनके पास में ब्लास्ट होता है हालांकि इतनी पास में भी ब्लास्ट नहीं होता है कि ये उसकी वेव्स की वजह से घायल हो जाए या वीर हो जाए लेकिन फिर भी उसके स्प्लिंटर्स जो निकल के आते हैं उसके अंदर से उनमें से एक स्प्लिंटर आके सीधे इनके पेट के अंदर लगता है कैप्टन कैंगरू के और उनके पेट से बहुत खून निकलने लगता है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने लगती लेकिन उस ब्लीडिंग के बावजूद भी कैप्टन कैंगरूज ने यह कहा कि नहीं उनके सैनिकों ने उनको कहा कि साहब आपको स्प्लिंटर लग गया आपके पेट में से बहुत खून निकल रहा है आप नीचे चले जाओ हम इस टास्क को पूरा कर लेंगे कैप्टन कैंग्रूव ने बोला नहीं मैं आपके साथ आया हूं और इस टास्क को आपके साथ ही पूरा करूंगा और जैसे तैसे जो भी उनकी फील्ड पट्टी थी वो थोड़ी बहुत लगाई होगी उन्होंने और उसके बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग वाली पोजीशन में उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ना जारी रखा उनको मोटिवेट किया कि चलो आगे बढ़ते हैं देखेंगे क्या होगा और इतनी ब्लीडिंग वाली सिचुएशन में फाइनली वो पॉइंट आया जब दुश्मन से इनकी दूरी कुछ ही फुट रह गई थी लेकिन एक खड़ी चट्टान आ गई थी तो इन्होंने तय किया कि मैं जाऊंगा चट्टान के ऊपर आई विल गो आई विल स्केल द रॉक और रॉक को स्केल करके मैं दुश्मन के ऊपर पहला हमला करूंगा आई विल टेक सरप्राइज इनके जवानों ने इनको कहा कि साहब आपको स्प्लिंटर लगा हुआ है खून निकल रहा है आपको चट्टान चढ़ना बहुत मुश्किल है इन्होंने बोला नहीं जाऊंगा तो मैं ही जाऊंगा आप सब लोग मेरे पीछे आओगे अब इस सिचुएशन में कैप्टन कैंगरूज ने एक रॉकेट लॉन्चर अपने बॉडी के ऊपर बांधा मतलब रखा कैरी किया रॉकेट लॉन्चर हैवी है बहुत अच्छा वेट होता है रॉकेट लॉन्चर का मैंने कभी उठा के नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कितना वेट होता, अच्छा होता है लेकिन अच्छा वेट होता है रॉकेट लॉन्चर का और रॉकेट लॉन्चर को अपनी पीठ के ऊपर लाद के और अपना डैगर लेके अपना कमांडो डैगर लेके जो चाकू मिलता है डैगर चाकू नहीं होता वो खंजर होता है कमांडो डैगर बोलते हैं उसको कमांडो डैगर और रॉकेट लॉन्चर लेके अब इन्होंने उस खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो चढ़ने के वक्त उनका जूते स्लिप होने लग गए वो जूते जो थे कॉम्बैट शूज जो आप पहनते हो कॉम्बैट शूज में क्या होता है बहुत कड़क होते हैं कॉम्बैट शूज बाहर की तरफ से बहुत कड़क होते हैं जो लोग एनसीसी कर चुके हैं या एनसीसी में है वो डीएम शूज पहनते होंगे ड्रिल मार्च शूज जिसको बोलते तो वैसे ही होता है कुछ कॉम्बैट शूज तो कॉम्बैट शूज में क्या होता है कि उसकी सरफेस उसका सोल भी बहुत कड़क होता है उसकी ऊपर की चमड़े भी बहुत कड़क होते तो पैर का जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट है उसके अंदर इजीली नहीं हो सकता अब चढ़ाई करने के लिए पैर की ग्रिप को फ्लेक्सिबली मूव करना बहुत जरूरी था तो ये कॉम्बैट शूज की मदद से उस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे उस रॉक के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे तब इन्होंने एक ऐसा काम किया जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था इन्होंने अपने जूते उतार दिए दोस्तों उस समय जब ये लड़ाई कर रहे थे ना उस पहाड़ पे रात का वक्त था और टेम्परेचर माइनस टेन से माइनस फिफ्टीन डिग्री था माइनस टेन से माइनस फिफ्टीन डिग्री वो सब तो बातें अलग ही है कि पहाड़ कितना तीखा ढलान वाला था पहाड़ की कितनी ऊंचाई थी ऑक्सीजन कंटेंट कम था दुश्मन की फायरिंग हो रही थी इस सबके बीच में टेम्परेचर भी माइनस टेन माइनस फिफ्टीन डिग्री चल रहा है और इस वक्त इन्होंने कहा कि इस वक्त मुझे इस रॉक को स्केल करके ऊपर जाना है और जूते पहन के मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं जूते उतार दूंगा इन्होंने जूते उतार दिए और नंगे पैर क्योंकि अब इनको ग्रिप अच्छी मिल रही थी रॉक पे तो नंगे पैर कंधे पे रॉकेट लॉन्चर लेके पेट में से खून निकल रहा है ये रॉक के ऊपर चढ़ते हैं रॉक को स्केल करते हैं रॉक को स्केल करके बिल्कुल दुश्मन के पीछे पोजीशन बना के अपने रॉकेट लॉन्चर को अपने शोल्डर पे लेके फायर कर देते हैं जिसकी वजह से एक मशीन गन तो खत्म हो जाती इमीडिएटली दो सैनिक मारे जाते हैं दुश्मन के लेकिन नाउ द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वाज लॉस्ट

कि अब फायर फाइट नहीं हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जब ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे दुश्मनों से इन्होंने जूते नहीं पहने हुए थे ये नंगे पैर थे और वहां पे बहुत सारे पत्थर रॉकीटरीन था पूरा ऊपर चढ़ने के लिए जूते उतारना वॉज अ गुड आइडिया क्योंकि ग्रिप अच्छा मिल रहा है रॉक के ऊपर लेकिन जब आप ऊपर चले गए और दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हो उनसे लड़ाई कर रहे हो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हो तब जूते नहीं पहनना इज नॉट अ गुड आइडिया लेकिन ही हैड नो ऑप्शन और वहीं पे उन्होंने दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू करी और यू बिलीव कि इन्होंने अपने खंजर से दो पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार डाला दो पाकिस्तानियों को तो इन्होंने अपने रॉकेट लॉन्चर के हमले से मार दिया था और बचे हुए दो पाकिस्तानी सोल्जर्स से ये अकेले भिड़ गए उन दोनों के पास बंदूकें भी थी उन दोनों के पास भी कमांडो डैगर्स थे और वो दोनों दो भी थे और ये अकेले थे थके हुए थे इंजर्ड थे चढ़ाई चढ़ के आए थे और इनकी ट्रूप सभी पीछे आ रहे थे स्केल करके पर ये तो भिड़ गए पाकिस्तानियों से और दोनों पाकिस्तानियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इन्होंने अपने डैगर से ही मार डाला लेकिन दोनों पाकिस्तानियों ने भी इनको बहुत इंजरीज कॉज करी थी उस लड़ाई की प्रोसेस में और इसीलिए दोनों पाकिस्तानियों को मारने के बाद ये भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से धीरे धीरे इनकी भी सांसें कम होती गई और ये भी वीर गति को प्राप्त हुए लेकिन जो एक्शन इन्होंने किया था उस एक्शन के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया एक ऐसा अधिकारी जो वैसे तो आर्मी सर्विस कोर का एक अधिकारी था लेकिन टू राजपूताना राइफल्स के साथ में अटैच हुए और टू राजपूताना राइफल्स के ग्लौरी और ट्रेडिशंस को बिल्कुल कायम रखते हुए इन्होंने उसी जज्बे के साथ में हमला किया और वैसे भी ये नागालैंड से आते थे जहाँ पे बहुत बहादुर लोग रहते हैं नागालैंड की कई ट्राइब्स हैं जो हेड हंटर्स हुआ करती थी खुद कैप्टन कैंगरूज के ग्रेट ग्रैंड भी एक बहुत हेड हंटर हुआ करते थे तो ये भी बड़ी जबरदस्त लेगेसी से आते थे तो इन्होंने अपने खानदान की लेगेसी अपने परिवार की लेगेसी का भी मान सम्मान रखा और जिस यूनिट में ये सर्व कर रहे थे राजपुताना राइफल उसकी ट्रेडिशन लेगेसी और ग्लोरी का भी पूरा सम्मान रखा सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया जिसके लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था तो यही दो कहानियां थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था बस आज आपका और वक्त नहीं लूंगा और आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास आज वक्त हो तो वो पिछले साल वाला वीडियो जरूर जाके देखना उसमें मेरे कारगिल की सारी लड़ाइयों को बहुत डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी लड़ाई कैसे लड़ी गई थी बस आज इस सेशन में मैं इतनी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता था थैंक यू वेरी मच फॉर बींग हेयर इन सच ए लार्ज नंबर एंड जय हिंद